नमस्कार, आप देख रहे हैं पीसीएन भारत न्यूज़। खबर जनपद मिर्जापुर के लालगंज से। जनपद मिर्जापुर के लालगंज में डॉक्टर ने किया कैंसर का ऑपरेशन, हो गई मरीज की मौत। मिर्जापुर जनपद के लालगंज थाना अंतर्गत लालगंज बाजार के विजयपुर रोड पर स्थित एक क्लिनिक में बीते 22 जून 2024 को कैंसर जैसी बड़ी बीमारी का एक डॉक्टर ने ऑपरेशन कर डाला। ऑपरेशन के तुरंत बाद युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि बिरोही निवासी सरफराज पुत्र हकीम अली, उम्र 35 वर्ष, क्लिनिक लालगंज में लगभग 40 दिनों से इलाज करवा रहा था, जिसमें लगभग 1.5 लाख रुपए भी का खर्च हुआ। आपको बता दें, इलाज के दौरान सरफराज अहमद का लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुआ। 22 जून की शाम डॉक्टर आर के पाल ने अपने सहयोगियों के साथ ऑपरेशन किया, जिसमें युवक की मौत हो गई। हालांकि मृतक के परिजन कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। डॉक्टर आर के पाल ने बताया कि इससे पहले भी 3 लोगों का कैंसर का सफल ऑपरेशन किया जा चुका है। युवक के मौत के बाद क्लिनिक के बाहर बवाल मच गया। देर रात मामला थाने तक पहुंच गया। हालांकि दोनों पक्षों में समझौता भी कर लिया गया। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि कैंसर जैसी इलाज की बीमारी का इलाज क्या ये डॉक्टर सच में कर रहे हैं या गलत, क्या ये सही है या गलत, एक प्रकार से ये जांच का विषय है। MBBS डॉक्टर अपने आप में ये दावा करते हैं, डॉक्टर आर के पाल जी, कि हम एक MBBS डॉक्टर हैं। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आपके पास न पूरी तरीके से इनके क्लिनिक में वो ऑपरेशन की सामग्री तक नहीं है, किस प्रकार से इतनी बड़ी ऑपरेशन कर सकते हैं। आपको दिखाएंगे पूरी खबर विस्तार से, पीसीएन भारत। नमस्कार, स्वागत है आपका पीसीएन भारत में। इस वक्त मौजूद है विकासखंड लालगंज। लालगंज के पास एक क्लिनिक है, जिसमें आपको बता दें बड़ी बड़ी सीटियो में जहां पर डॉक्टर फेल हो जाते हैं, एमबीबीएस फेल हो जाता है कैंसर के इलाज के लिए, वहां पर आपको दिखाएं एक बहुत ही बड़े ज्ञानी, बहुत ही अच्छे डॉक्टर MBBS कह रहे हैं खुद को, अपने आप को। अब इनकी उम्र कितनी उससे भी हम जानेंगे कि इनका MBBS की डिग्री सही है या नहीं। इन्होंने एक ऑपरेशन किया गले में, और कहा था महोदय गले और पैर में कैंसर था, उसका इन्होंने ऑपरेशन किया और जो पेशेंट था वो डेथ कर गया है, और 1.5 लाख रुपए इन्होंने उस पेशेंट से वसूल लिया है। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार। पूरा नाम है? राहुल कुमार पाल। राहुल कुमार पाल, क्या डिग्री है आपकी? कहाँ से किया आपने? महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी से। कौन से समय? कौन से समय? 14 में। बैच नंबर? 2014। कौन प्रिंसिपल है वहाँ का? प्रिंसिपल कौन है वहाँ का? अभी तो नहीं बता सकते अभी कौन। आप जब पढ़ रहे थे तब कौन था? आप जो पढ़ रहे थे तो कौन था? सनावरे गोर के थे। कितनी उम्र रही होगी उस वक्त उनकी? पचास के पारी रही होगी। आपकी प्रिंसिपल की है आपको नहीं पता है? पचास के पार है ना। अच्छा, आपके बैच में कितने कितनी स्ट्रेंथ थी? आपकी बैच की स्ट्रेंथ कितनी? बैच की स्ट्रेंथ Do you mean by strength? What? 50. किस एग्जाम के तहत आप गए थे MBBS में? आपका चयन हुआ था CPMT Combined Pre-Medical Test। CPMT के तहत आप MBBS में सेलेक्ट हुए थे। मैं आपको चूतिया समझा रहा हूँ आप। CPMT के तहत आप सेलेक्ट हो गए थे MBBS में। आपकी कितनी एज है? आपकी एज कितनी? 31 है। 2014 आप कितने साल के थे? 2014 में आप कितने वर्ष के थे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 2014 में आपने ज्वाइन किया, 2014 ज्वाइन किया ना, कितने उम्र के रहे होंगे आप? उम्र के रहे होंगे मान लो 17 रहे होंगे। इंटर का पास किया आपने? इंटर का पास किया? नहीं नहीं, 18 के पास रहे हैं। हाँ नहीं सही, वो भी मान लिया। हाँ। एक मिनट यार, इंटर का पास किया आपने? इंटर सन 2010 में। हाँ। तो 4 साल का आपका गैप कहाँ था? 2-4 साल का आपका गैप था कहाँ था? गैप था थोड़ा
कुछ तैयारियाँ में है। अच्छा, हाई स्कूल कब की है? हाई स्कूल कब की है आप? एट में। एट में कौन से स्कूल? नाइन्थ में। एट एट में नौ का किए थे सन 2008 में। 2008 में नौ किए थे। हाँ, उसके बाद 2010 में नौ में दस हो गया। अच्छा, कौन से स्कूल से किए थे? कौन से स्कूल से? बाबू खान श्याम सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज। ये कहाँ पे है? ये है, पता है आपका, ये जिगना गुनौरा। जिगना। कितनी परसेंट आई थी आपको? कितना परसेंट था? मैं 75% 75%। साइंस का टीचर कौन है उसमें? साइंस का टीचर प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह। हाँ। एमबीबीएस में आपके कितने कोर्सेज हैं? कितने सेमेस्टर हैं? सेमेस्टर तो कई सारे सेमेस्टर। अरे वही तो जानना चाहता, मैं तो नहीं जानता ना, आप बताइए कितने सेमेस्टर होते हैं एमबीबीएस में? ठीक है आप। नहीं नहीं, अरे हमारे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपको कुछ करूंगा नहीं, मैं आपसे झगड़ा करने नहीं आया हूँ। मेरा सवाल का जवाब दीजिए, एमबीबीएस में कितने सेमेस्टर हैं? जो सेमेस्टर आप चुनना चाहते हो। नहीं नहीं, मेरी बात नहीं समझा, कितने साल की डिग्री है? ये 5 साल की डिग्री है और प्लस 1 ईयर इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप है ना। सेमेस्टर कितने हैं इसमें? फार्मोकोलॉजी हो गया है। अरे मुझे बस इतना बताइए कितने सेमेस्टर होते हैं MBBS को क्वालिफाई करने के लिए? 5 साल के कोर्स में कितने सेमेस्टर? 8 एक मिनट, बस 8 परफेक्ट? नहीं परफेक्ट नहीं, 8 पूरे नहीं। यार आप पढ़ाई की आपको सस्पेंस है, मतलब इसमें भी कि आप सेमेस्टर नहीं बता पा रहे? थीसिस लिखा था आपने? थीसिस लिखा था? किस पे लिखा था थीसिस? थीसिस का मतलब समझ रहे? थीसिस क्या होता है? किस चीज पे लिखा था थीसिस? आप ये की डिटेल में। अरे मैं हम आपसे नौकरी तो मांगे ना। नहीं, मैं जो पूछ रहा हूँ उसका जवाब दीजिए बस शांति से। मैं जो पूछ रहा हूँ शांति से उसी का जवाब दीजिए। आपसे MBBS किया, पढ़े लिखे डॉक्टर है, आप जवाब दीजिए किस चीज पे थीसिस लिखा आपको? बस चला था पिक्चर शूटिंग हो रही है। हम अभी इतने साल हो गए हम। अच्छा, स्पेशल एक मिनट सर, चल गया, कोई बात नहीं। स्पेशलाइजेशन क्या था आपका MBBS करने के बाद? स्पेशलाइजेशन क्या था? किसी एक पर्टिकुलर चीज पे स्पेशलाइजेशन? हाँ, तो कार्डियोलॉजिस्ट, फिर मैं हृदय रोग पे ज्यादा ध्यान देता था। हृदय रोग पे? उसके बाद आप कैंसर पे ध्यान देने लगे? नहीं, उसे भी देखता था कि यानी कुछ एंटीबायोटिक्स हमारी दवाएं चलाने। कार्डियोलॉजिस्ट पे स्पेशलाइजेशन किया था ना? हाँ। कैंसर के जो ट्रीटमेंट करते हैं वो डॉक्टर किस चीज का स्पेशलाइजेशन करते हैं? वो तो ये एनकोलॉजिस्ट। एनकोलॉजिस्ट। अभी आपकी उम्र कितनी है? सर मैं 32 है। 32 है, मान लो 2990 एनटीटी है। यहाँ पे आप क्या क्या इक्विपमेंट रखे हुए हैं? यहाँ पे बस जो दिख रहा है आपका। नहीं यहाँ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ जहाँ पे आपने ऑपरेशन किया है पेशेंट का, वहाँ पे क्या क्या इक्विपमेंट है आपके पास? वहाँ पे वो ऑक्सीजन सिलेंडर है। हाँ। ओटी टेबल है। ऑक्सीजन? नहीं, ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो पेशेंट है कैंसर का, उसके ऑपरेशन में क्या क्या चीजें प्रयोग होती हैं, क्या क्या इक्विपमेंट लगते हैं? उनका पंखा चालू कराया, लिम्फ नोड, लिम्फ नोड कैंसर, उसको लिम्फ नोड के लिए इसको चीजें लगा के उसका गार्ड जो निकालना पड़ता है। इसके बाद अंदर से जो एक्रिल धागा प्रयोग होता है, नहीं तो ऊपर से कैरियर धागा हो जाता है। अच्छा, प्रैक्टिस कहाँ की आपने MBBS के बाद? वहीं मुंबई से ही। कितने साल? 1 ईयर किए। कहाँ से प्रैक्टिस किया? विकास हॉस्पिटल रामबाग। विकास हॉस्पिटल रामबाग। वहाँ का कोई डिग्री, कोई सर्टिफिकेट? अच्छा, चलिए। किसने प्रैक्टिस कराई आपकी? डॉक्टर हेमंत मिश्रा आए थे। रिपोर्ट कहाँ कराते थे आप?
रिपोर्ट कराए थे वाराणसी, उसके पहले भी कराए थे। कहाँ कहाँ चेकअप करा करा थे? नहीं पहले पहले यानी कीमो चलवाए थे तो बहुत बेकार हो गया था इनका, यानी बहुत ज़्यादा स्मेल यानी ज़्यादा बैक्टीरियल आ गए थे इनके अंदर में। बायोप्सी करा थी, सीधे कीमो करा दी? नहीं नहीं कीमो हमने नहीं कराया था, इन लोगों ने कराया था, फिर इसके बाद हमने एक बायोप्सी कराया। बायोप्सी बायोप्सी हाँ बायोप्सी बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं थोड़ा ये बांध है चिपकी हुई है उसमें बोलने में थोड़ा दिक्कत है इसलिए। कितना पैसा लिया आपने इसे? इसे देखो मैं आपको टोटल हम जोड़ के हम बता देते हैं कितना पैसा, यही बात है ना उसका रोज का रोज डिग्री अरे अंदाज बता दे जोड़े महीना बीत गया है। नहीं ये उन्हें था और दूसरे का रोज का 5-6 हजार।